हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। अभी दिन शुरू करते हैं, आज है वीकेंड, वीकेंड है तो बोले सैटरडे है और चलते हैं फ्रैंकफर्ट सिटी की तरफ, एक दो शोरूम चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसा क्या कार्स मिल रही हैं। ऑलरेडी 3:20 हो गया है और 4:00 शोरूम बंद ही हो जाएगा, तो अभी बस थोड़ा सा ही टाइम है तो चलते हैं जल्दी से और फिर देखते हैं गाड़ियाँ। आ गया है, सामने ही दिख रहा है शोरूम। गाड़ी से निकलते ही मुझे सबसे पहले दिखी ये गाड़ी और वाव, एक्चुअली ये सारी कितनी सुंदर लग रही हैं। यहाँ पे अभी वाली जो हमारे पास गाड़ी है X1, उससे पहले हम एक्चुअली ये CLA लेने वाले थे। ऑलमोस्ट मन बना लिया था इसको लेने का, लेकिन फिर X1 देखी और वो ज्यादा अच्छी लगी, बट आज फिर से इस गाड़ी को देखते हैं। मतलब मर्सिडीज का तो इंटीरियर में आई थिंक कोई मुकाबला नहीं है यार, बहुत ही शानदार। यही सब ये जो फुल बड़ी वाली स्क्रीन देने लग गए हैं, ये स्क्रीन देख के हम लोग लेना भी चाहते थे। और ये जो एरोडायनामिक्स टाइप के इनके जो एयर वेंट है काफी सही है, मैं आपको थोड़ा क्लोजअप लुक दिखाता हूँ। और ये फ्रेमलेस ग्लास भी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, काफी बढ़िया है। और आई थिंक इसमें क्रूज कंट्रोल भी लग रहा है मेरे को, सो ये तो काफी इम्पोर्टेंट फीचर हो जाता है आजकल अगर आपको बहुत ही लॉन्ग ड्राइव करनी है। और ये हो गया इनका आई थिंक टच पैड, और ये वाले डिजाइन भी यहाँ पे काफी अच्छी है, एकदम सीमलेस लुक है। और ये स्टेयरिंग में जैसे यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन आता है ना कट होके, ऐसे काफी फैंसी लगता है। और इसमें शायद गियर शिफ्टिंग यहीं पे ही है, सो थोड़ा डिफरेंट रहेगा हमारे वाली अभी वाली गाड़ी में, उसमें गियर शिफ्टिंग यहाँ पे है। मैं देख रहा हूँ इसके पीछे की सीटिंग का कैसा एक्सपीरियंस है। आई थिंक जो ऑटो कार रिव्यू वाले होते हैं वो बोलते हैं 4 फिंगर अगर आ रही है यहाँ पे पीछे तो ठीक है, बट अगर मैं थोड़ा ढंग से बैठूं तो मुझे लगता है पूरा शरीर टच हो गया। ये वाला एक बहुत बड़ा रीजन था कि पीछे कम स्पेस है, इसीलिए हमने नहीं लिया फिर बाद में एंड में इस गाड़ी को। ये प्रॉब्लम आपको सी क्लास और ई क्लास में तो मतलब आनी नहीं है, सो CLA में थोड़ा सा है। आई थिंक ए क्लास में भी थोड़ा स्पेस रहता है, ये CLA में उतना नहीं रहता। अब कोई और मॉडल ट्राई करते हैं। जर्मनी में रहने का एक बेनिफिट ये भी है कि आप इन सब लग्जरी गाड़ियां जो मानी जाती हैं ये यहाँ पे उतनी ज्यादा भी लग्जरी में नहीं आएंगी, ले सकते हो अगर आप यहाँ से यहाँ पे पढ़ाई करी और अगर यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो उतना ज्यादा कुछ वो बहुत आउट ऑफ रीच चीज नहीं रहती है। और बात करते हैं GLB की, ये इसमें 7 सीटर का ऑप्शन भी आता है। देखते हैं शिल्पा बैठी है शायद अंदर। हाँ शिल्पा, कैसी लगी गाड़ी है? बहुत ही अच्छी है। वाओ, ये देखो कितना ऐसे डायमंड इफेक्ट देके लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही है। मैं उस वाली साइड से आता हूँ। इसमें 7 सीटर का ऑप्शन भी आता है इसका। अच्छा, ये वाला आई थिंक 5 सीटर ऑप्शन ही है। ओ, मैं हाथ से क्यों बंद कर रहा हूँ भाई, इसमें बटन लग रहा है क्या? नहीं, ओके। ये GLB अपन जब X1 ले रहे थे तब शायद नहीं थी। हाँ, ये अभी ये तो रिसेंट में आई है। हाँ, अच्छा ऑप्शन है, इसको ऑप्शन कंसीडर करते पक्का, क्योंकि इंटीरियर्स में मर्सिडीज की कोई बात ही नहीं है यार। ये देखो इंटीरियर कितना प्यारा है, और इसमें 7 सीटर का ऑप्शन रहता है, तो वो भी है कि अगर किसी को यू नो बड़ी गाड़ी लेनी है तो इसमें सॉर्ट ऑफ अपने जो इंडिया में कौन सी अर्टिगा वर्टिगा टाइप या फिर इनोवा जैसी सी फील दे देगी ये भी, अगर 7 सीटर लोगे तो इसी गाड़ी में हो जाएगा। हाँ, सेम में 7 सीटर भी आता है ऑप्शन। अच्छा, ओ दैट्स नाइस। 5+7 जैसे SUV में था ना वैसे ही, कि चाहिए तो पीछे की सीट ले लो वरना मत, या तो 5 सीटर ऑप्शन ले लो या तो 7, वैसा वाला। मेरे एक दो फ्रेंड है वो लोग GLB ले रहे हैं, तो मैंने भी देखी फिर इस गाड़ी को, काफी सही लग रही है। फिर एक और ऑप्शन आता है GLA, इसकी तो आई थिंक ये तो 250E मॉडल है, ये तो हाइब्रिड है और आई थिंक इसका इंजन भी काफी भारी आएगा, तो दैट्स व्हाई ये हाइब्रिड होने की वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव, 56,000 यूरो में पड़ेगी। बट आपको थोड़ा दिखाता हूँ मैं ओवरऑल ये कैसे दिखती है। ये X1 से कंपेरेबल है, काफी अच्छी गाड़ी है ये भी। फिर मैंने आपको GLB की प्राइसेस नहीं दिखाई ना, GLB की 220D4 मैटिक ऑटोमेटिक मॉडल है, 190 PS है, डीजल है, 63,000 की गाड़ी पड़ेगी। बट ये अगर आप यही पेट्रोल में इसका स्मॉलेस्ट इंजन लोगे ना तो उतनी महंगी नहीं, अराउंड 35-38 के आसपास स्टार्टिंग है। शिल्पा का बार बार इसी गाड़ी पे दिल आता है GLE, ये तो पता नहीं यार, ये है GLE 580, ये है भाई साहब 1.37। ओहो, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये तो हो गई, मतलब क्या पता नहीं 1,10,00,000 के आसपास, कुछ ज्यादा भारी हो गई शिल्पा।
लेकिन ये गाड़ी बहुत ही सॉलिड लगती है, मतलब जो फॉर्च्यूनर आती है ना एकदम वैसी साइज की है ये गाड़ी। ये पीछे यहाँ पे ये सब भी कॉमन है, वो हिच बोलेंगे या फिर कुपलुंग जर्मन में बोलेंगे। क्यों शिल्पा कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है यार, मुझे यही चाहिए। हाँ हवाई जहाज लग रही है ना, मैं अपना सब किडनी विडनी सब बेचने को तैयार हूँ। चलते हैं थोड़ा चेक करते हैं। वो कौन बोलता है? कपिल शर्मा में वो राजू बोलता है। ओए होए 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 भाई ये क्या चीज है, मतलब स्क्रीन इसकी डबल हो गई। और टीवी भी टीवी लिया है क्या 40 इंच का मैडम आपने? हैं 55 इंच का मैडम। ये क्या ट्रक के हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे इतना पकड़ के बैठना पड़ेगा क्या? ये भी ऐसे थोड़ा ऐसे अलग तरीके से खुल रहा था, मुझे पहले तो समझ में नहीं आया इसको खोलना कैसे है। काफी ज्यादा ये इसका सॉफ्ट टच लेदर भी है, नॉट लेदर आई डोंट नो। उनमें जो ऐसी लग्जरी गाड़ियों में लोग घूमते रहते हैं उनके पास में एक बंदा इंटरव्यू जाके लेता है, व्हाट यू डू इन योर लाइफ। तो हमें जाना पड़ेगा जो जीएलई में लेके घूमते हैं, उनको पूछना पड़ेगा वो क्या करते हैं। फिर देखो भी दैट वन कि मैं आपके पास आऊं और आपके पास ये गाड़ी हो ऑलरेडी। ना हो पाएगा, बिल्कुल ना हो पाएगा। सो गाइस इसके इंटीरियर पे थोड़ा ध्यान देते हैं, बातों को बाद में करेंगे। ये देखिए क्या ही सॉलिड है यार, मेरे को चोट लग जाती है अभी तो पीछे। देखिए मतलब इसमें ये स्पीकर्स भी इसके हैं, कौन सी है, बर्मेस्टर, मेरे को तो नाम भी नहीं पता यार। बहुत सही है यार ये। इसकी ये सनरूफ खोल सकती है क्या, एक बार चेक करियो। हाँ। नहीं, चलो ये टेस्ट मॉडल है। ओहो बहुत ही तगड़ा। ओह माय गॉड क्या मतलब ये भी एकदम जैसे हमारी तो एक सीट के बराबर लग रहा है मेरे को। हाँ। बट काफी ज्यादा सॉलिड है। कूलिंग वूलिंग बॉक्स तो नहीं है कभी यहाँ पे? आई डाउट। यहाँ डिजिटल स्क्रीन यहाँ पे किस चीज के लिए है पता ही नहीं। नहीं ये तो मतलब कुछ, ओ यहाँ पे मुझे लग रहा है आईपैड है क्या इसमें? यहाँ पे भी टीवी नहीं, टीवी भी कुछ नहीं है शिल्पा। और बटन्स वटन्स भी दिए गए हैं काफी सारे, यहाँ से सब एसी कंट्रोल हो जाएगा। I'm sure कुछ म्यूजिक का भी बटन होंगे इसमें। है 22 इंच अलॉयस, काफी तगड़े टायर लग रहे हैं यार, मतलब बहुत ही सुंदर। और वो ऑटो कार रिव्यूज करते हैं उसमें डोर की साउंड सुनाते हैं ना, वो सुनाता हूँ। 1 2 कैसी लगी लिख के बताओ। चलो एक और गाड़ी आपको भी दिखाता हूँ, GLC 304 मैटिक, अराउंड 80,000 यूरोज की ये वाला मॉडल है स्पेसिफिक। इसकी स्टार्टिंग आई थिंक 60-65 के आसपास है। इसका इंटीरियर देखते हैं क्विकली। वाह इसमें डबल स्क्रीन जॉइंट नहीं आती अभी तक, इन्होंने वैसा ही रखा है कि अलग अलग स्क्रीन हो। लेदर सीट्स लग रही हैं और वही सिमिलर सा इनका टच पैड, और आई थिंक क्रूज कंट्रोल भी है। हाइब्रिड है क्या ये? इसका भी इंटीरियर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। गाड़ियाँ तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो उधर की कुछ गाड़ियाँ तो खुल भी नहीं रही हैं। वो सब लॉक कर दी है, बोला है कि आपके लिए बाहर है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो उनके लिए। इस बार देखते हैं बहुत ही सॉलिड गाड़ी सी क्लास। शिल्पा अंदर जाके उसमें चेक कर रही है। ये है C200 फोरमेटिक, ऑटोमेटिक है, 200 PSI, अराउंड 61,000 यूरोज की। इन सब की अलग अलग स्टार्टिंग होती है, ये एक पर्टिकुलर मॉडल है इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी, बट ये स्टार्टिंग इनकी थोड़ी कम है। बट इसका इंटीरियर देखते हैं, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर दिया है इन्होंने अभी। ये देखो यार इसकी स्क्रीन अलग है, इसकी स्क्रीन एकदम इन्होंने वो टेस्ला स्टाइल में दी है। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी कि टेस्ला जैसी स्क्रीन है, फिर मुझे ना खपरू याद आ गया। खपरू बोलेगा नहीं ये टेस्ला ने मर्सिडीज से लिया है स्क्रीन। एकदम सही बात। तो गाइस इसका इंटीरियर भी काफी यूनिक दिया है, पहले वाली सी क्लास का थोड़ा इंटीरियर बोरिंग था, अभी नई वाली सी क्लास का इंटीरियर बहुत ही तगड़ा हो गया है। आई डोंट नो इफ वी कैन बाय दिस, ये थोड़े बहुत ज्यादा महंगी है, हमारे बजट से शायद बाहर है। हाँ भाई है? क्या टेस्टिंग हो रही है अंदर घुस घुस के? मैं देख रहा हूँ ये क्लास कैसी रहेगी। ये भी काफी अच्छी गाड़ी है, आराम से इजी टू ड्राइव है, छोटी सी गाड़ी है। ये आपने सीट आगे कर रखी है कि घुटना एकदम टच हो रहा है? सीट थोड़ी आगे हो गई है, पता नहीं कैसे हो गई। अच्छा कुछ बटन नहीं दिख रहा इसका, तो इलेक्ट्रिक है क्या? इलेक्ट्रिक, ओ इसकी यहाँ पे मैं भी यार अब हो रही है पीछे।
मैं इसके यहाँ पे ढूंढने लग गया था, हमारी वाली मैनुअल है मुझे याद है। अच्छा इसमें तो मर्सिडीज हमने देख ली, काफी ज्यादा आउट ऑफ बजट है सारी कार्स। अब यहीं पे पास में है टेस्ला का शोरूम, तो वहां चलते हैं। एक्चुअली मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ इलेक्ट्रिक कार लेने में, तो लेट्स सी टेस्ला में कुछ ऑप्शन मिल पाता है क्या। टेस्ला क्यों लेना चाहती है? इलेक्ट्रिक आपके एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, या फिर आपको टेस्ला अच्छी लगती है? नहीं, जिस हिसाब से पेट्रोल वेट्रोल और डीजल के भाव ऊपर जा रहे हैं, मैं इलेक्ट्रिक लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैंने जब फर्स्ट गाड़ी ली थी तब अराउंड था 1 यूरो के आसपास पर लीटर, और अभी चल रहा है 2 यूरो पर लीटर। विद इन आई थिंक कितने 5 साल में हो गया। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बढ़ रहा है पेट्रोल, इधर भी बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक ले लें तो बढ़िया, एटलीस्ट वो झमेला हटे। एक जैगुआर खड़ी है यहाँ, जर्मन्स कॉल इट जैगुआर। आ चुका है टेस्ला का शोरूम, चलिए फिर चलते हैं। यहाँ हम लोग एक बार पहले भी आ चुके हैं, टेस्ला मॉडल 3 का वीडियो बनाया था हमने उस टाइम पे, काफी सही एक्सपीरियंस था वो। उसकी वीडियो की क्लिप मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, एक्चुअली मैंने ये ऐसा बोल दिया कि मैं यहाँ पे वीडियो पे लगा दूंगा। शिल्पा ने तुरंत ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं नहीं करते हूं, मैं करती हूं, मैं फिर मुझे ढूंढते रहने पड़ती है, मैं यहाँ लगा दूंगा। एकदम सही, एकदम सही बात कह रही है शिल्पा जी। शिल्पा जी लगाएंगे उस वीडियो को, हर वीडियो में बोल देते हो आप, मैं यहाँ ये क्लिप लगा दूंगा, मैं वहाँ वो क्लिप लगा। मैंने ऐसा कभी भी नहीं लगाया है, मुझे वो पार्ट कट करना पड़ता है। वेरी गुड। काफी कूल इंटीरियर है इसका भी, कोई बटन ही नहीं आता है। आई थिंक इसकी की आपको बेसिकली यहाँ पे रखनी होती है। और इसमें क्या क्या फीचर दिखा रहा है, क्या ही दिखाएगा, अभी तो लॉक ही है। इसके फ्रेमलेस डोर हैं जो जैसे ही क्लोज करोगे तो थोड़ा ऊपर स्लाइड हो जाएंगे। इन्होंने सुपर चार्जर का भी आई थिंक आई एम श्योर डेमो ही होगा। और बाहर भी काफी सारी टेस्ला खड़ी हैं इनकी, बेसिकली टेस्ट ड्राइव के लिए। हम भी इनसे पूछते हैं कि आने वाले दिनों में कोई एक टेस्ट ड्राइव का अपॉइंटमेंट दे दें। ये इन्होंने डिटेल्स लिखी हुई हैं सारी की सारी मॉडल 3 की, जैसे फॉर एग्जांपल, अरे शिल्पा भी आ गई मिरर में। स्टैंडर्ड रेंज प्लस 491 किलोमीटर जाएगी, लॉन्ग रेंज 602। तो लॉन्ग रेंज आई थिंक काफी कन्वीनियंट पड़ती होगी क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा बैटरी है। शिल्पा जी देखें आप टेस्ला, फिर बस ये इतना ही शोरूम और एक ही गाड़ी है। शोरूम के अंदर इन्होंने एक ही गाड़ी खड़ी कर रखी है, बाकी सारी बाहर है। अच्छा। तो मॉडल 3 की आपको प्राइस बता देता हूँ। मॉडल 3 स्टार्ट होती है 42,990 यूरो से, फिर आई थिंक ये मैक्सिमम रेंज लॉन्ग रेंज वाली जो है वो 54,990, और परफॉर्मेंस हो गई अराउंड 59,000 यूरो की। मतलब ठीक है, आई थिंक पेट्रोल की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये गाड़ी लेना बनता है। ये है मॉडल वाई, इसको देखते हैं कैसी लगती है अंदर से। इंटीरियर ऑफकोर्स इनका ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, आई थिंक किसी किसी में स्क्रीन टिल्ट कर दी है, बस दैट्स ऑल। ये भी मॉडल वाई भी काफी बढ़िया है, मिड साइज एसयूवी या क्रॉसओवर एसयूवी टाइप की गाड़ी है। इनमें ये ऊपर फुल ग्लास आता है तो इससे गाड़ी कुछ ज्यादा ही स्पेशियस और बड़ी लगने लगती है। सारी सारी टेस्ला खड़ी है, ये बंदा टेस्ला पार्क कर रहा है। इनके पास ज्यादा कुछ उतनी शायद जगह नहीं है, पीछे वाली साइड थोड़ी बहुत और जगह है। पीछे बैठ के देखते हैं, काफी स्पेशियस है यार ये गाड़ी तो। हाँ ऊपर आई थिंक पूरा पूरा हाथ आ जाएगा। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको पसंद आया हो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।